स्टूडेंट्स नमस्कार। आज के लेक्चर में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म के बारे में स्टडी करेंगे कि कोई पतली फिल्म होती है तो उससे कलरफुल लाइट्स या वाइब्रेंट लाइट दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है। ओके, मतलब पतली फिल्मों के द्वारा प्रकाश का व्यतिकरण कैसे होता है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि कभी भी पानी पर तेल की बूंदे गिर जाती है तो आप देखते हैं कि उससे इंद्रधनुष की तरह या मल्टी कलर्स रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देने लगते हैं। तो आखिर ये होता क्यों है? ये होता है कि उनसे जो रेस रिफ्लेक्ट हो रही है उनके बीच में आपस में इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, अभी इंटरफेरेंस कोई भी इंटरफेरेंस तब कैटेगराइज होता है कि उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो इसके लिए हमें इसी बात की इसमें स्टडी करनी है। ठीक है, कि ये कलरफुल लाइट्स दिखने के लिए पीछे का रीजन क्या है। तो इसके लिए हम जब कंसिडर करते हैं, मान लिया कि किसी पर जो पानी है, पानी के ऊपर जो ऑयल की फिल्म बनी है, माना कि ये फिल्म ये है, इस फिल्म से यहाँ से यहाँ तक की है, तेल तक कितने सौ भी फिल्म ये फिल्म है। ठीक है, अब इस ट्री के लिए यहाँ से कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लेट अस सपोज है ए बी, ये ए बी लाइट सोर्स है, इस फिल्म पर फॉलो करती है, ये इसके परपेंडिकुलर जाती है, इस परपेंडिकुलर की तरफ झुकते हुए क्योंकि ये मीडियम इस मीडियम को सपोज किया होगा डेंस होगा, ये मीडियम डेंस होगा एज कम्पेयर टू इस मीडियम, ये मीडियम फिर से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया जब यहाँ से अपॉर्टेड हुई रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, फिर से ये अभी हम झुकने लगते हुए बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये जो है इसका सीधा रास्ता कि जैसे ये इसको फॉलो करेगा किस किस तरह से जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर जो कि हम सीधे नहीं कर देख पाते हैं वो क्या है कि ये जो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी मान लिया कि ये बी सी डायरेक्शन में चलेगी, इस रे का नाम है बी सी। इसके बाद क्या है, ये भी दो मीडियम अलग अलग है तो ये जो यहाँ पे आई है ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, इस रे पर रिफ्लेक्ट करेगी, ये एंगुलर इंसिडेंस है इस रे के लिए इस माध्यम पर से। ठीक है, और ये जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या अपवर्तन कोण है इस माध्यम का, इन दोनों माध्यम का एकांतर कोण से ये एंगल भी आर हो जाएगा। ठीक, एकांतर कोण से भी आर हो जाएगा और ये यहां से बाहर निकलते हुए किसी भी एंगल में, अगर ये दोनों मीडियम सेम है तो ये एंगल भी आई होगा, अदरवाइज एनी अदर एंगल आई डैश होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं वही मीडियम में ये आई होगा। अब इसके बाद क्या है, ये आर होगा, ये आर होगा, इन दोनों माध्यम में क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके ये यहाँ से यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा, इन दोनों माध्यम इस दोनों माध्यम के लिए क्या थी, ये आर है तो ये भी आर होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का, या अगर इन दोनों माध्यम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये दोनों बराबर होता है। ठीक, ये भी यहाँ से चलती हुई फिर से यहाँ पे दो मीडियम की सिचुएशन करके आपतित होती है, तो क्या होगा, यहाँ आने के बाद ये दोनों मीडियम अलग होने की वजह से यहाँ से इसमें अपवर्तन होगा, अपवर्तन में पहचान के लिए ऐसे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट करेगी और ऐसे यहाँ फॉल करेगी और इसी तरह से एंड सो ऑन, ये ऐसे प्रोसीजर जो है आगे कंटिन्यू करता रहेगा। जब ये वाली यहाँ पर मीडियम इसके मीडियम यहाँ फॉल करेगी फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट इमर्ज करके बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इसके बाद की जो रेज आएंगी वो सारी इंटेंसिटी बहुत कम होगी, हम उन्हें निगलेक्ट कर देंगे, जब इंटेंसिटी बहुत कम होगी उनकी तो वो इंटरफेरेंस करने के बाद पश्चात उसमें कलर ही क्या दिखाई देगा। ठीक है, नहीं दिखाई देगा, इस वजह से हम केवल इन और इन रेज कंसिडर करेंगे, पहले और दूसरी को कि इनके बीच में इंटरफेरेंस होने के पश्चात क्या पोजिशन होती है, ऐसी क्या कंडीशन है कि ये ब्राइट फिल्म देगी और ऐसी क्या कंडीशन है कि डार्क फिल्म देगी। ओके, तो मान लिया कि पहली पीरियड है और ये दूसरी पीरियड है, ऐसा होने पर क्या होगा, ये पहली है और ये दूसरी है। ओके, अब हम क्या करते हैं, उन दोनों फिल्मों के बीच
उसमें पार्टिकल्स निकालना होगा, क्यों? बिना पार्टिकल्स निकाले हम ऐसी कंडीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे, क्योंकि पहले ही पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अपनी कुछ कंडीशंस है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अपनी कुछ कंडीशंस है, जिसको दो इंटरफेरेंस वेव्स फुलफिल करेंगी तो वो ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो ये पहला हो गया किरण का दूसरी किरण। अब हमें इनको किस पार्ट से करना है, हमको नाम करेंगे बी सी लेंगे और ये हो गया बी के बाद यहाँ पे हो गया ए बी सी, ये हो गया डी, इसको मैंने कह दिया ई, ये है एफ, ये ई एफ एंड बी सी बोथ दिए जा रिफ्लेक्टेड रेज है और ये दोनों ही छोटे अपने आप नहीं आएंगे, सबका ओरिजिन जो है ए बी है, दोनों ही ए बी से ही डिराइव्ड है। ठीक है, अब इनके बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, इससे हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप मैं इसको थोड़ा मोटा कर दूंगी, ये हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉ, मान लें ई के, ई के क्या परपेंडिकुलर है बी सी पर, ठीक है बी सी पर परपेंडिकुलर है, ये हो गया 90, ये हो गया आई, ये भी हो गया आई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में बराबर है, ये आई का क्यों 90 माइनस आई होगा, ये 90 है 90 माइनस आई हो गया, तो ये वाला एंगल फिर से आई होगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं ये परपेंडिकुलर हम यहाँ जाकर मिलाएंगे, मान लें कि एल है, ठीक है जब ये एल है तो बी एल और एल ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, इन दोनों को लेकर ये क्या है आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जब किसी एंगल को एक लाइन में विभाजित कर देंगे तो सामने वाले भुजा को और ये दोनों एंगल्स बराबर है, ये समीकरण त्रिभुज बनेगा इक्विलैटरल एंगल, तो इसमें क्या होगा इसमें जो भी लंबी रेखा है सामने वाले भुजा को दो भागों में डिवाइड कर देगा बराबर भाग में, इसमें बिगर को एंगल भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल आर है, ये हो जाएगा 90, ये दोनों अंतर कोण से बराबर लेंगे, ये 90 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, अब किसकी कैसे रिक्वायरमेंट होगी बाद में कंसिडर करेंगे, अब सबसे पहले हमारा क्या उद्देश्य है कि दोनों किरण 1 एंड 2 के बीच का पता लगाना है, कितना होगा दिस कम्स आउट टू बी, ये होगा पाथ बी डी ई, पाथ बी डी ई इन ऑयल, ठीक है माइनस पाथ बी के इन एयर। ठीक है, ये आप देखिए ये वाली किरण तो पहले ही यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये वाली किरण ऐसे लगती है ये किरण पहले यहाँ से यहाँ आएगी फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी फिर यहाँ से इमर्ज होगी, तो इस किरण के सापेक्ष ये किरण इतनी डिस्टेंस ज्यादा तय करती है और ये किरण जो है मतलब ये किरण जो है इतनी डिस्टेंस ज्यादा तय पार्ट इसके आगे का पार्ट है इन दोनों का जो होगा इसके आगे का पार्ट जो होगा सेम होगा जितना नीचे होगा इतना पार्ट जो है एक्सेस है ये दूसरी किरण के द्वारा चला गया है ये दूसरी किरण के द्वारा चला गया है इसमें इनको हम सेपरेट करेंगे ये वाला पार्ट बड़ा है ये वाला पार्ट छोटा है। ठीक है, इसलिए ये पार्ट माइनस ये पार्ट करेंगे। ठीक है, ये पार्ट जो है डेंस मीडियम में है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लिया कि न्यू है ये न्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है। ठीक है, और ये एयर मान लिया तो पार्ट बी डी को ले सकते हैं न्यू टाइम्स बी डी प्लस डी डी बी प्लस डी डी माइनस आर डी के का डी के ही है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, हमारा जो एम है बी डी और बी के को फाइंड आउट करना है क्योंकि बी डी और बी आपस में बराबर होंगे इसलिए हम इसको लिख सकते हैं बी डी और 2 न्यू बी डी माइनस बी के। ठीक है, तो सिंस बी डी इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर
cos r is equal to 12 plus cos r is equal to r by 12. Base upon hypotenuse. dl upon db. dl upon db. Now subtract. What is db? db? db kya hai? ye db. db kya hai? isko db kehte hain. theek hai? hame bilkul nikalna hai. iska hame bilkul nikalna hai. yahan se bilkul kya hai? ye kaise nikale? db is equal to this implies bd is equal to bd kya ho jayega? bd bd idhar chala jayega. cos r niche aa jayega. aa jayega dl upon cos r. ab dl kya hai? ab dekhiye कुछ और होंगे इस फिल्म की मोटाई है जो कि हमें क्या माना था कि टी हो तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा टी अपॉन कॉस आर. इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर वन था. ये इक्वेशन नंबर टू. ठीक है तो एक चीज तो मिल गया है और हमें बीके चाहिए तो बीके निकालना है. तो बीके क्या होगा? बीके तो बीके निकालने के लिए क्या करेंगे? बीके ई देखिए इन ब्रैकेट Thank you.
डिफरेंस कितना आया था? आ डिफरेंस हो जाएगा पार डिफरेंस क्या आया था? टू टाइम्स टू न्यू बी डी माइनस बी के. आप इक्वेशन नंबर वन को फिर से देखिए, यही आया था. तो आप इक्वेशन इस इक्वेशन से हम बी के तो मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर टू से बी डी का मान लेते हैं. क्या आया था? टू न्यू बी डी को मान आया था हमारा टी अपॉन कॉस था. तो यहाँ पे हमारे में टी अपॉन कॉस माइनस बी के मान आया है यहाँ से टू न्यू बी साइन स्क्वायर आर अपॉन साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर बी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर. यहाँ से टू न्यू बी अपॉन कॉस आर आप देख रहे हैं, टू न्यू बी अपॉन कॉस आर इसमें भी टू न्यू बी अपॉन कॉस आर इसमें भी कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर आर. और आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है. उसे भी अप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में जो वन माइनस साइन स्क्वायर आर है उसको हम कॉस स्क्वायर आर लिख सकते हैं. ठीक है, लिखेंगे क्या आएगा? टू न्यू बी अपॉन कॉस आर ये कितना आया? अंदर आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर आर को हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर आर. नीचे कॉस आर ऊपर कॉस स्क्वायर आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा टू न्यू बी कॉस आर. दिस इज इक्वल टू आया टू न्यू बी कॉस आर. ठीक, ऊपर डिफरेंस निकल आया टू न्यू बी कॉस आर होता है. ठीक है, अब इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है, इसको बिठा देते हैं. आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए. तो पार डिफरेंस बिटवीन वन एंड टू कितना आया? दिस आया टू न्यूटी कॉस आर. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि जब भी कोई प्रकाश की किरण रेयर से डेंस माध्यम में एंटर करती है या रेयर से डेंस माध्यम में से रिफ्लेक्ट करती है तो उसमें पाई का फेज चेंज आ जाता है. ठीक है, पाई का फेज चेंज आ जाता है मतलब लैम्डा अपॉन टू का पार्ट डिफरेंस आ जाता है. क्यों? अगर आप पाई को पार्ट डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि डेल्टा फाइव इज इक्वल टू होता है टू पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स. तो यहाँ से पाई हमें पाई रखेंगे तो पाई पाई कट जाएगा, लैम्डा अपॉन टू बचेगा इधर. ठीक है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन टू जबकि फाइव का मान डेल्टा फाइव का मान पाई होगा. ठीक है, तो इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए कि जब कभी भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते समय दोनों के सेपरेशन टर्म से रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्टेड किरण और आपतित किरण के बीच में जो होता है पार्ट डिफरेंस पाई का होता है, सॉरी फेज डिफरेंस पाई का होता है. इसलिए पार्ट डिफरेंस कितने का होगा? इसलिए पार्ट डिफरेंस जो होता है वो लैम्डा अपॉन टू का हो जाता है. तो इसी इक्वेशन में हम उस डिफरेंस को भी इंक्लूड करेंगे. ठीक है, नोट कर लीजिए. Thank you.
जस्ट इसका रिवर्स
एक्सप्रेशन आएगा, तो मतलब इसे डिस्कस निकलेगा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो ट्रांसमिटेड लाइट है दोनों ही इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे, लेकिन दोनों का पैटर्न जस्ट अपोजिट होगा। रिफ्लेक्टेड है जहाँ पे ब्राइट देगी वहां पे ट्रांसमिटर डार्क देगा, जहां पे रिफ्लेक्टर डार्क देगा वहां पे ट्रांसमिटर रे ब्राइट देगा। ओके, तो ये थ्री के द्वारा इंटरफेरेंस को कंप्लीट हो गया है। इसको आप ध्यान सुनिए, समझिए, बहुत ईजी है, डरने की जरूरत नहीं है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, अगर आप उसको फिर से रिवाइज करके बार बार देखेंगे आपको समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। बच्चों अगले लेक्चर में मिलेंगे।